हेलो फ्रेंड्स, मैं बुसरा कुरैशी बुसरा गार्डन में सभी का स्वागत करती हूँ। और आज की मेरी वीडियो रहेगी, मैंने गार्डन में क्या न्यू ऐड किया है, क्या एक्सेसरीज, क्या स्टैंड, क्या ऐड किया है। मैं जो भी मैंने ऐड किया है, मैं कुछ ना कुछ अपने गार्डन में करती ही रहती हूँ। आप सभी जानते हैं मैं अपने गार्डन में कुछ ना कुछ DIY करती हूँ, वेस्ट मटेरियल के साथ कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ यहाँ पे, या कटिंग वगैरह कुछ भी अपने गार्डन में कुछ ना कुछ तो मेरा करना बनता ही है। और मैं फ्री टाइम में यही कर लेती हूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ इसलिए। तो ये देखिए फ्रेंड, ये कैसा लुक लग रही है मेरे गार्डन का, मैं कुछ लुक शेयर कर रही हूँ स्टार्टिंग में। फ्रेंड ये मेरे गार्डन का ये कुछ लुक है, ये बरसातों में कुछ ऐसा लग रहा है फ्रेंड, देख के बताना कैसा लग रही है फ्रेंड मेरी वीडियो में। ये गार्डन का कुछ हल्का सा ओवरव्यू देने की कोशिश करती हूँ, इससे मैं ओवरव्यू के वीडियो में शेयर कर दूंगी फ्रेंड। ये देखिए, ये जो मेरा स्टैंड है वेस्ट मटेरियल, ये मैंने शेयर किया था पहले भी वेस्ट मटेरियल वाले वीडियो में। इसके ऊपर मैंने ये वाले प्लांट लगाए थे पहले भी, ये थे कुछ आगे पीछे किए हुए हैं। और मैंने ये स्टैंड के बाजू में ये दो स्टैंड और लगाए हैं, इसमें से एक स्टैंड ये है, ये मैंने 150 के दो लिए थे, एक ये स्टैंड है और एक और ये वाला स्टैंड है फ्रेंड। ये काफ़ी थोड़ा बड़ा है और ये थोड़ा छोटा है। इसके ऊपर मैंने ये वाला लीली का प्लांट लगाया है। मेरे पास इसके बल्ब डिवाइड करते करते 3-4 पोट हो गए हैं और काफ़ी वजन भी होता है, ये वेट वाला होता है। तो ये मैंने चीनी के पोट में लगाई थी ये वाले को, तो मैंने ये यहाँ पर लगा दिया था। और ये स्टैंड को यहाँ पे मैंने ऐड किया है इसके बाजू में। ये देखिए, अजू मैं चाहूँ तो इसके ऊपर छोटे छोटे पॉट हैंग कर सकती हूँ फ्रेंड, जैसे छोटे छोटे आते हैं वो मैं यहाँ पे हैंग कर दूंगी, अगर मेरे पास होंगे तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी फ्रेंड। और मैं चाहूँ तो एक छोटा पॉट यहाँ पे भी रख सकती हूँ फ्रेंड, इस तरह मैं इसके अंदर भी यहाँ पे इसकी जो धारी है, ये जो किनारा है, यहाँ पे भी मैं छोटी छोटी बास्केट पॉट हैंग करने के लिए मैं इसे इस्तेमाल करूं तो ये और भी खूबसूरत हो सकता है। पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये फ्रेंड ये देखिए इसमें बहुत वेट है, तो मैंने ऐसा नहीं किया है फ्रेंड। और मैंने यहाँ पे ये एक और पॉट का स्टैंड लिया था, जो मैंने बोला 150 में दो है, तो ये एक और है। इसके अंदर मैंने ऐसा किया है, ये देखिए, ये मैंने अजवाइन की जो मेन मदर प्लांट है मेरा अजवाइन का, वो लगाया है इसके अंदर। ऊपर ये देखिए बास्केट लगी हुई है, इसके अंदर बास्केट का सेप था और उसके अंदर रिंग का सेप था। ये देखिए इसके अंदर भी काफ़ी वेट है, ये वाली जो बास्केट है मेरी काफ़ी पुरानी है और इसमें काफ़ी वेट है। और इसके अंदर मदर प्लांट लगाया था, ये प्लांट बहुत खूबसूरत लगता था मुझे अजवाइन का, तो मैंने ये लगा दिया है फिलहाल। ये देखिए ठेक जमीन तक के नीचे तक इसकी हाइट आ रही है ऊपर से, ये देखिए, और काफ़ी ब्यूटीफुल भी लग रहा है। तो मैंने इसके अंदर यहाँ पे हैंग किए हुए हैं छोटी छोटी बास्केट्स और उसके अंदर लगे हुए हैं प्लांट्स। ये देखिए एक येलो के अंदर ये स्वीट पोटैटो वाइन लगी हुई है और ये वाली रेड के अंदर रोहियो के प्लांट लगे हुए हैं, काफ़ी सारे इसमें बेबीज भी आए हुए हैं। और ये वाली पर्पल हार्ट जो ऊपर भी हैंग की है, ये भी मैंने यहाँ पे लगाई हुई थी। तो ये देखिए इसके बाजू में एक और लगी हुई है रोहियो की छोटी सी बास्केट्स और पीछे पर्पल हार्ट लगी हुई है, ये देखिए पर्पल हार्ट। इस तरह मैंने ये चार अभी हैंग है, ये मैंने 5 हैंग की थी और इसका लुक कुछ इस तरह आ रहा है फ्रेंड। ये देखिए ये काफ़ी खूबसूरत लग रही है, हवा कितनी तेज़ चल रही है बारिशों में, तो ये देखिए कुछ ऐसे ही ये खूबसूरत लग रही है। और मैं दूसरे का लुक शेयर करती हूँ, ये देखिए ये कुछ ऐसा लग रहा है, इसके फ्लावर अभी अभी ही गए हैं आके, ये देख सकते हैं फ्रेंड। और दूसरे के अंदर भी आए थे जितने भी इसके बल्ब थे 12-13, सबके अंदर इसके फ्लावर आए थे, अभी भी सब दो में तो इसकी लगी हुई है स्टिक्स, तो अभी और भी फ्लावर आएंगे, इसकी सीजन है अभी। आप भी लगाना चाहते थे तो इसे अभी बारिशों के पहले लगाते, अगर तो आपके अपने लगाए हैं बारिशों के पहले तो इसके अंदर जरूर फ्लावर आएंगे। ये देखिए मेरे तो स्टार्ट हो गए हैं थोड़े थोड़े दिन में, इसमें रुक रुक के फ्लावर आते हैं फ्रेंड। तो ये मैंने दो स्टैंड ऐड किए थे, वो दो स्टैंड के अलावा मैंने यहाँ पे क्यारी में भी कुछ डिफरेंट किया है। ये जो क्यारी है इसके अंदर सीताफल का और ये देखिए अनार का पौधा लगा हुआ था, इसे ये
वहां पे थी बाहर की तरफ, तो मैंने उसे यह अंदर की तरफ ले लिया है, और ये बोगनविलिया की क्यारी को मैंने आगे कर दिया है, जो पीछे थी उसको मैंने आगे कर दिया है, तो इसका लुक यहाँ पे चेंज हो गया है। ये देखिए बोगनविला को मैंने ऐसी लटकती हुई नीचे की और छोड़ दी है। इसके सारे फ्लावर इसलिए निकल गए हैं कि बरसातें हुई थी और हवा तेज चलती है, तो ये इसके फ्लावर रह नहीं पाते इस पर। ये देखिए कुछ ऐसे इसका लुक अब आ रहा है, इसलिए लुक भी चेंज हो गया, और थोड़ी गर्मी ज़्यादा थी तो जो फ्रूट के प्लांट है उसको थोड़ी छाया भी मिल गई, क्योंकि वो प्लांट के पत्ते निकल जाते हैं फ्रेंड, इसलिए मेरा ये लुक एक चेंज किया है मैंने यहाँ का। और ये फ्रेंड्स ये मेरा लोटस का प्लांट है जो मैं 2 साल से मेरे पास है, तो इसके ऊपर मेरे को नहीं पता क्या प्रॉब्लम हो गई है फ्रेंड, क्योंकि मेरे को पानी वाले जो प्लांट है इसका आइडिया थोड़ा कम है। मैंने इसे कंपोस्ट भी दी थी और इसे आगे बढ़ाने के लिए और फ्लावर लाने की कोशिश भी की थी, पर काफ़ी हद तक मैं कामयाब हुई हूँ, पर अभी तक इसके ऊपर फ्लावर नहीं आ पाया। ये देखिए फ्रेंड ये इसके ऊपर लीव्स आए, मैंने 15 डे पहले इसको रिपोर्ट किया था। ये देखिए इसका नीचे के जो भाग था, ये मेरा ओल्ड तपेला है, मैं ऐसी ओल्ड चीज़ें मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ प्लांट लगाना, तो मैंने इसे भी और ये ओल्ड तपतीले में ही लगाया है, तो इसके अंदर जो ये हांडी है ये भी मेरे पास वेस्ट पड़ी थी और इसमें मैंने ये लगा दिया था। प्लांट में 2 बल्ब लाई थी और एक मैंने लगाया था, दोनों 2 लगाए थे, एक ख़राब निकला था और एक लग गया था, वो ये है, तो मैं इसे रिपोर्ट करती हूँ। तो मैंने 15 डेज पहले इसे रिपोर्ट किया था, तो ये इसके अंदर ये देखिए पत्ते भी निकल आए हैं। मैंने फिलहाल इसे कोई कॉम्पोस्ट नहीं दिया, बस अच्छे से इसको नीचे से ऊपर से साफ करके इसे लगा दिया था, और इसके अंदर जो जाली वाली जो आई थी वो हटा दी थी, एकदम क्लीन एंड चीट कर दिया था। इसका जो बल्ब होता है उसमें से न्यू लीव्स की जो ग्रोथ थी वो दिख रही थी, तो मैंने उसके आजू बाजू का एरिया अच्छा सा बल्ब का आजू बाजू का एरिया अच्छे से साफ कर दिया फ्रेंड। जो भी ब्लैक खराब लग रहा था, जो खराब था वो मैंने निकाल दिया, और ये रिजल्ट 15 डे बाद का, तो ये मैंने फिर से ऐड कर लिया अपने गार्डन में, जो मैं निकाल दी थी। इसको पानी में नहीं रखा था, ऐसे एकदम कम पानी के अंदर रखा था ताकि ये बल्ब ऐसे का ऐसा ही रहे, तो एक मैंने ये ऐड किया है फ्रेंड। ये चेंज है मेरे गार्डन में। ये देखिए फ्रेंड आजू बाजू बारिश के बादल आ चुके हैं और थोड़ी थोड़ी बरसात पड़ने के आशा लग रहे हैं। ये देखिए और कुछ बूंदें यहाँ पे गिर भी रही हैं, तो जो आपको तो नहीं समझ में आएगी नहीं दिखेगी, पर स्टार्ट हो गई है फ्रेंड, तो मैं फटाफट वीडियो बनाती हूँ फ्रेंड। ये देखिए मेरा कुछ इधर साइड का ओवरव्यू, यहाँ पे भी मैंने ये जो मेरी प्लास्टिक की जो डोल है ये मैंने फिर से ऐड की है फ्रेंड। ये देखिए इसके अंदर ये जो पेटनिया के प्लांट लगे हैं और ये शकरकंदी का मैंने वाइन लगाई है, ये मैं वेजिटेबल वाइन के साथ शेयर करूंगी, वेजिटेबल के जो प्लांट शेयर करूंगी तब ये भी शेयर कर दूंगी फ्रेंड। तो यहाँ का कुछ लुक ऐसा आ रहा है, और मैंने यहाँ पे ये रोज़ मॉस को यहाँ पे लगा दिया है फ्रेंड, जो यहाँ पीछे नल्ले में ये यहाँ पे लगे हुए थे देखिए, तो मैंने इसे यहाँ पे लगा दिया है ताकि ये जो मेरी बास्केट मैंने ओल्ड से वेस्ट मटेरियल से उठा के कलर करके यहाँ पे लगाई थी ये भर जाए। इसके अंदर के पॉट अब नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये पूरी रोज़ मॉस की जो है ये भर चुकी है। ये देखिए ये पीछे से इतना लंबा है प्लांट रहेगा कि ठीक पॉट कहाँ पीछे पड़ा हुआ है और ये प्लांट कहाँ पे आ रही है। इस तरह फ्रेंड्स मैंने ये रोज़ मॉस को यहाँ पे लगाया है और ये बास्केट मेरी पूरी लम चौरस वाली भर चुकी है, और बारिश स्टार्ट हो गई है। और ये देखिए ये डब्बे में भी मैंने फिर से कटिंग लगा दी है, और ये बची हुई रेन लिली अभी भी मेरे गार्डन में ऐसे ही पड़ी है, यहाँ पे भी पड़ी है। और ये देखिए ये रोज़ मॉस की अक्खी मैंने बेंच तैयार की है ये वाले स्टैंड के ऊपर, तो मैंने इसे भी यहाँ पे रख दिया है। कुछ कुछ फ्लावर भी आ रहे हैं फ्रेंड, तो मैंने इसे यहाँ पे कुछ ऐसा दिया है। ये देखिए मेरी आलमंडा की वाइन, तो ये वीडियो यहीं तक क्योंकि बारिश चालू हो गई है फ्रेंड। ये देखिए बरसात की बूंदें, तो मैं जा रही हूँ अपना नया मोबाइल बचा के पानी से, और आप सबसे फिर कभी कुछ शेयर करूँगी। जो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बताएं आप लोग कमेंट करके कि आपको कौन से टॉपिक पे और वीडियो चाहिए फ्रेंड, मैं ज़रूर वो आपको आंसर करूँगी। तो लाइक करें मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करें, और ये इस बारिश का मैं एंजॉय करना चाहती हूँ, तो मैं जा रही हूँ फ्रेंड। ये देखिए